हमारा बीजेपी का सारे कैंडिडेट अच्छे हैं, मोदी जी का सब लोग फॉलोअर्स है, मोदी का परिवार है, मोदी का परिवार तो अच्छा ही है। तो नवीन बाबू हमारा ही कैंपेन कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए। सर उनका कहना था कि बीजेपी दो डिजिट भी ओडिशा में टच नहीं करेगा, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि 50-60 सीट ले लेगा और हमारा बीजेपी को तोड़ के सरकार बनाएगा। आप मान के रहिए उड़ीसा में बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है। आपका कैसा रेस्पॉन्स है? अच्छा लगा है। आप लोग आप देखा ये आदिवासी क्षेत्र है, लोगों का इतना रेस्पॉन्स है और लोगों का सब मालूम है। बीजेपी का मैनिफेस्टो का हर पॉइंट लोगों का पहले ही मालूम है। मतलब जब कोई पार्टी को वोट देना है तभी वो पार्टी का मैनिफेस्टो का बारे में सरसा होता है। आज उड़ीसा में बीजेपी का मैनिफेस्टो का बारे में पूरा सरसा है, यही इंडिकेट करता है कि बीजेपी जीतने वाला है। सर 10 तारीख को आप शपथ लेंगे बोल रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं 9 तारीख को ले लेंगे, लेकिन मेरा लगता है पहले मोदी जी शपथ ले लेगा प्रधानमंत्री जी का और फिर उड़ीसा में 10 तारीख हमारा पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। कितना सीट आएगा सर? मेरा हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा मेजोरिटी में आएगा और मेरे जो दो सभा किया रेस्पॉन्स और लोगों का जो भाव है बहुत ही पॉजिटिव है। हमारा बीजेपी का सारे कैंडिडेट अच्छे हैं, मोदी जी का सब लोग फॉलोअर्स है, मोदी का परिवार है, मोदी का परिवार तो अच्छा ही है। तो नवीन बाबू हमारा ही कैंपेन कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए। सर उनका कहना था कि बीजेपी दो डिजिट भी ओडिशा में टच नहीं करेगा, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि 50-60 सीट ले लेगा और हमारा बीजेपी को तोड़ के सरकार बनाएगा। आप मान के रहिए उड़ीसा में बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है। आपका कैसा रेस्पॉन्स है? अच्छा लगा है। आप लोग आप देखा ये आदिवासी क्षेत्र है, लोगों का इतना रेस्पॉन्स है और लोगों का सब मालूम है। बीजेपी का मैनिफेस्टो का हर पॉइंट लोगों का पहले ही मालूम है। मतलब जब कोई पार्टी को वोट देना है तभी वो पार्टी का मैनिफेस्टो का बारे में सरसा होता है। आज उड़ीसा में बीजेपी का मैनिफेस्टो का बारे में पूरा सरसा है, यही इंडिकेट करता है कि बीजेपी जीतने वाला है। सर 10 तारीख को आप शपथ लेंगे बोल रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं 9 तारीख को ले लेंगे, लेकिन मेरा लगता है पहले मोदी जी शपथ ले लेगा प्रधानमंत्री जी का और फिर उड़ीसा में 10 तारीख हमारा पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। कितना सीट आएगा सर? मेरा हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा मेजोरिटी में आएगा और मेरे जो दो सभा किया रेस्पॉन्स और लोगों का जो भाव है बहुत ही पॉजिटिव है। हमारा बीजेपी का सारे कैंडिडेट अच्छे हैं, मोदी जी का सब लोग फॉलोअर्स है, मोदी का परिवार है, मोदी का परिवार तो अच्छा ही है। तो नवीन बाबू हमारा ही कैंपेन कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए। सर उनका कहना था कि बीजेपी दो डिजिट भी ओडिशा में टच नहीं करेगा, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि 50-60 सीट ले लेगा और हमारा बीजेपी को तोड़ के सरकार बनाएगा। आप मान के रहिए उड़ीसा में बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है। आपका कैसा रेस्पॉन्स है? अच्छा लगा है। आप लोग आप देखा ये आदिवासी क्षेत्र है, लोगों का इतना रेस्पॉन्स है और लोगों का सब मालूम है। बीजेपी का मैनिफेस्टो का हर पॉइंट लोगों का पहले ही मालूम है। मतलब जब कोई पार्टी को वोट देना है तभी वो पार्टी का मैनिफेस्टो का बारे में सरसा होता है। आज उड़ीसा में बीजेपी का मैनिफेस्टो का बारे में पूरा सरसा है, यही इंडिकेट करता है कि बीजेपी जीतने वाला है। सर 10 तारीख को आप शपथ लेंगे बोल रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं 9 तारीख को ले लेंगे, लेकिन मेरा लगता है पहले मोदी जी शपथ ले लेगा प्रधानमंत्री जी का और फिर उड़ीसा में 10 तारीख हमारा पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। सर कितना सीट आएगा सर? मेरा हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा मेजोरिटी में आएगा और मेरे जो दो सभा किया रेस्पॉन्स और लोगों का जो भाव है बहुत ही पॉजिटिव है।